मंगलम मंगलम ओम मंगलम मंगलम ओम मंगलम मंगलम। इसका जो आंसर था सर वो आंसर था क्या, वो आंसर था 2K। हेलो एवरीवन स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आदाब है, अभिनंदन है, आभार है, इस्तकबाल है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म मेंटोर मंगल पे। आज के वीडियो के अंदर हम जो बच्चा डिस्कस करने वाले हैं वो एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की जो एक्सरसाइज चल रही थी हमारी, जिसमें मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस किया था, और उसके बाद में जो मेरा जो सेकंड लेक्चर आया था उसके अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक मैंने डिस्कस किया था। आज ये न्यूमेरिकल का थर्ड लेक्चर है और आज के जो लेक्चर में आगे हम 21 से इसको स्टार्ट करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपके सारे न्यूमेरिकल से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो आई होप आपके बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। चलो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज जो बेटा क्वेश्चन नंबर जो 21 है वो बेटा दिया गया है, सवाल दिया गया है, वो दिया गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर। देखो न्यूमेरिकल करने का बेटा तरीका क्या होना चाहिए कि जो भी आपको सवाल दिया गया है वो सवाल का यदि डायग्राम बनता है तो आप डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए और फिर क्या क्या दिया गया है उसको एक साइड में लिख दीजिए। इससे आपके मोटे तौर पर एक आइडिया हो जाएगा कि आपको फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, ठीक है बच्चा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर, एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्वेश्चन नंबर 21 है, एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चालक गोला दिया गया है, इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, इस पर एक आवेश अज्ञात आवेश दिया गया है। अब अज्ञात आवेश मुझे पता नहीं, मैं मान लेता हूं कि प्लस आवेश है और जिसकी वैल्यू कितनी है क्यू है, मैं मान लेता हूं अपनी मर्जी से, ठीक है। मैंने मान लिया कि इस पर आवेश कितना है, क्यू आवेश है, यह टोटल आवेश कितना है, क्यू है। और इसने बोला है कि यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र, अच्छा इसके गोले से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि यहां पर एक पॉइंट दिया गया है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर जहां पे विद्युत क्षेत्र दिया गया है ई बराबर दिया गया है बेटा, वो दिया गया है 1.5 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। और ये अंतर्मुखी है, अंतर्मुखी का मतलब होता है अंदर की साइड है, यानी कि इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनसाइड है, तो डेफिनेटली कोई भी विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर तभी हो सकता है जब इस पर कौन सा आवेश रहा हो, ऋणावेश रहा हो। तो हम मान लेते हैं ये बेटा कौन सा है, ऋणावेश है, क्लियर है, ये मैंने मान लिया ऋणावेश है, तभी तो विद्युत क्षेत्र यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर अंदर की ओर आएगा, प्लस की वजह से विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है। तो इसने बोला है कि यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र है वो अंदर की ओर है और कितना है, 1.5 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। तो ये बोल रहा है कि इसके ऊपर चार्ज कितना है, शायद यही पूछा है, हाँ। तो इसने बोला है तो गोले पर नेट आवेश कितना है ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो गोले पर अपन नेट आवेश को ज्ञात करते हैं बेटा, कैसे ज्ञात करेंगे, सॉल्यूशन। अरे नेट आवेश कैसे ज्ञात करेंगे, अरे हमें पता है कि यदि कोई भी एक चालक गोला दिया गया है और उस चालक गोले के केंद्र से r दूरी पर यदि बाहर की और कोई भी एक पॉइंट P दिया गया है तो उस P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र बेटा कितना होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, यदि KQ अपॉन में r स्क्वायर, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र का मान दिया गया है, R का मान भी यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर दिया गया है, K का मान पता होता है 9×10^9 होता है और आपको Q का मान निकालना है। बड़ा सिंपल सवाल है ना, गली गली में बच्चा कर रहा है। चले करते हैं इसको स्टार्ट, ठीक है। देखिए E का मान दिया हुआ है 1.5 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम और अंदर की ओर दिया हुआ है, तो इसको अपन माइनस में लिखेंगे, तो -1.5 इंटू 10 की पावर 3 इज इक्वल टू। किसी बच्चे को हो सकता है कि सर आपकी स्पीड बहुत धीमी है, तो YouTube ने एक अच्छा सा फंक्शन दिया हुआ है स्पीड को 1.5 गुना या 2 गुना करने का, वहां पे जाकर के आप स्पीड को 1.5 गुना या 2 की स्पीड में भी आप वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। K का मान दिया हुआ है 9×10^9 और Q का मान निकालना है बेटा, और R की वैल्यू दी हुई है 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे, अरे 20 सेंटीमीटर कितना होता है मीटर में बदलेंगे तो 0.2 मीटर होता है, तो मैं यहाँ पे मीटर में लिखूंगा, क्योंकि जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं आपको मीटर में ही लिखना है, ऐसा ही सिस्टम में वैल्यू को रखेंगे, ठीक है। ये 0.2 है, आर स्क्वायर, इसलिए मैंने 2 बार लिख दिया, पॉइंट को हटाओ, यहाँ पे पॉइंट को हटाओ तो ऊपर जाएगा 10, इस पॉइंट का गया, इस पॉइंट का भी 10 गया,
ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 × 4, बस इसको सॉल्व करो और आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसको सॉल्व करते हैं। 4 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, डेड का मल्टीप्लाई 4 से हुआ, यानी कि 6 आ जाएगा, 6 × 10³ हो जाएगा, इधर आएगा 9 × 10³ × 100। अरे यहाँ पर 10³ होने का मतलब यहाँ पर बेटा 1000 है, यहाँ पे 100 है, 10 बार कैंसिल हो गया, एक ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आंसर आएगा −6 = 9 × 10³ अरे बेटा यहाँ पे क्यू भी तो है, तो यहाँ पर अपन क्यू भी लिखेंगे, तो क्यू इज इक्वल टू बेटा कितना आएगा −6, इसको इधर भेजेंगे तो बट्टे में जाएगा, 9 × 10⁸ आ जाएगा। इसको अपन सॉल्व करते हैं तो 10⁵ देखो 6 है, तो अपन इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा, 6 में 9 का भाग दो यानी कि 0.0 यानी कि 2/3 यानी कि 0.66 आ जाएगा × 10⁻¹⁸, और माइनस में आंसर बेटा निकल के आ गया, आंसर को चेक कर लेना, यही आंसर आएगा। ठीक है, तो बेटा फटाफट से जल्दी से कॉपी के अंदर वीडियो को पॉज करके लिख दीजिए, मैं अगला सवाल आपको करवाता हूँ सॉल्व। ठीक है, हाँ अगला सवाल बेटा दिया हुआ है, वो दिया हुआ है बेटा, रब कर दे इसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 इसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन। ये दिया गया 2.4 मीटर व्यास के एक समान आवेशी चालक गोला, एक चालक गोला दिया गया है जिसकी रेडियस दे रखी है बेटा, त्रिज्या कितनी दी हुई है r बराबर, मान लेते हैं कि त्रिज्या इसकी कैपिटल R है, और वो दिया गया है बेटा देख लाला, इसकी जो त्रिज्या दी हुई है 2.4 मीटर व्यास दिया गया है, तो आपको त्रिज्या निकालने के लिए इसका डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1.2 मीटर आएगा कि नहीं आएगा, अरे हाँ या ना बोल लाला। ठीक है, 1.2 मीटर आ जाएगा। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसके ऊपर जो आवेश है वो मान लेता हूँ कि प्लस है, तो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया गया है, क्यों नहीं दिया गया आपको, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया गया सिग्मा, वो दिया हुआ है 80 μC, माइक्रो को लिखेंगे तो 10⁻⁶ में लिखेंगे कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये आपको सिग्मा दिया गया है। तो इसका पहला सवाल है, पहला सवाल इसने पूछा है कि गोले पर आवेश कितना होगा, गोले पर आवेश कितना होगा ये आपको ज्ञात करना है, और दूसरा बेटा आपको सवाल दिया है, वो दिया है गोले के पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स क्या है, गोले के पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स कितना है, निर्गत फ्लक्स कितना है ये आपको फाइंड आउट करना है। चलो दोनों को ओपन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले गोले पर आवेश निकालते हैं, देख लाला इधर ध्यान दे, गोले पर आवेश निकालना है, गोले पर आवेश कैसे निकालेंगे, देखिए आपको सिग्मा दिया गया है, मैं मान लेता हूं कि यहाँ का आवेश कितना है, क्यू है, और इसका एरिया ए है, तो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन में ए, ये तो गली गली में बच्चा कर रहा है, तो यहां से सिग्मा इज इक्वल टू क्यू, मान लेते चार्ज, और इसका एरिया कितना होगा, इसका पृष्ठ का एरिया होता है गोले का 4πr², कितना होता है 4πr², तो यहाँ से क्यू निकालना है, क्यू निकल के आएगा सिग्मा 4πr², क्यू इज इक्वल टू, सिग्मा की वैल्यू बेटा दी हुई है, वो दी हुई है 80 × 10⁻¹⁴ 4π × r², अरे इसका स्क्वायर करना है, यानी कि 1.2 × 1.2, इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा जो आंसर निकल के आएगा वो आंसर निकल के आएगा, देखो इसे सॉल्व करो है ना, कितना आएगा 1.2 और 1.2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1.44 होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे 4π से करेंगे और 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेटा इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आंसर आप कैलकुलेटर की सहायता से भी इसको सरल कर सकते हैं, मैं इसका बेटा डायरेक्ट आंसर लिख लेता हूँ, इसका बेटा जो डायरेक्ट आंसर आएगा वो 1.45 के आसपास समथिंग निकल के आना चाहिए। ठीक है, इसका जो बेटा आंसर निकल के आएगा वो आएगा 1.45 × 10⁻³⁾ ये बेटा आंसर निकल के आ जाएगा। अब इसने दूसरा सवाल और पूछा कि गोले से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, अरे फ्लक्स का फॉर्मूला q/ε₀, अरे इस गोले से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो एक गाउसीय पृष्ठ बना लेता हूँ यहाँ पे,
अरे आपको यदि फ्लक्स ज्ञात करना होता है तो गाउस के नियम से ज्ञात कर सकते हैं, और गाउस का नियम होता है वो बंद पृष्ठ के लिए अप्लाई होता है। तो हम एक बंद पृष्ठ बना लेते हैं, इस बंद पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स कितना है निकालना होता है, फॉर्मूला होता है कि इस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश कितना होता है। मान लेते हैं आवेश क्यू है, अपन में एप्सिलॉन नॉट का भाग दे देते हैं। क्लियर है? तो कि सर क्यू तो दिया हुआ ही नहीं है, क्यू कहाँ से ज्ञात करें? अरे भाई साहब, पहला जो सवाल हमने किया उसके अंदर क्यू दिया हुआ है ना, हमने ज्ञात कर लिया है ना, तो वो यहाँ पे लिखो 1.45 × 10⁻³ अपॉन में 8.85 × 10⁻½ को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बेटा जो फ्लक्स निकल के आएगा वो फ्लक्स बेटा निकल के आ जाता है 1.6 × 10⁸, ये निकल के आ जाएगा। क्लियर है? तो देख लेना आंसर यही आएगा बेटा, फटाक से जल्दी से कॉपी में लिख दीजिए, फटाक से लिखोगे, कैसे लिखोगे, फटाक से, है ना, जल्दी से लिखो इसे कॉपी में और मैं रब करता हूं इसे, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद में क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है लाला, वो दिया गया है कोई अनंत रेखीय आवेश, कोई अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर, कोई अनंत रेखीय आवेश दिया गया है। अनंत रेखीय आवेश का मतलब जिसकी लंबाई कितनी है, अनंत है, यहां पर भी अनंत तक है और यहां पर भी अनंत तक है। ये क्वेश्चन नंबर है बेटा 23, ठीक है। कोई अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, इससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर यहां पर एक पॉइंट दिया गया है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यहां पर जो विद्युत क्षेत्र दिया गया है वो दिया हुआ है 9×10⁴ न्यूटन पर कूलम, लैम्ब्डा ज्ञात करना है। अरे बहुत फर्जी सवाल है ना, हल्का सवाल है ये, कैसा सवाल, हल्का करते हैं इसको। हाँ, फॉर्मूला क्या होता है? अरे भाई कोई भी एक तार दिया गया है जिसका रेखीय आवेश घनत्व यदि लैम्ब्डा होता है तो उस तार की वजह से आर डिस्टेंस पे जो विद्युत क्षेत्र होता है उसका डेरिवेशन हमने बेटा किया हुआ है, फॉर्मूला निकल के आया था, वो आया था इज इक्वल टू, क्या था बोल, अरे लाला बोल इसका आंसर क्या था। इसका जो आंसर था सर, वो आंसर था क्या, वो आंसर था 2 kλ/r, या फिर एक और भी था लैम्ब्डा अपॉन में 2πε₀r भी लिख सकते हैं ना, जो भी आपको लिखना है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। अरे ई की वैल्यू दे रखी है कितना बेटा, इसका जो आंसर निकल के आएगा ये वाला हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो 9 से 9 कैंसिल हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ से हम लैम्ब्डा को सॉल्व करेंगे तो लैम्ब्डा की वैल्यू है वो ये वाली बेटा निकल के आ जाती है। बहुत सिंपल सवाल था, ठीक है। अगला सवाल करते हैं, अगला सवाल बेटा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, वो दिया गया है 24, हाँ, दो बड़ी पतली धातु की पतली धातु की प्लेटें दी हुई है एक दूसरे के समांतर है। मान लेते हैं कि एक धातु की प्लेट ये है और एक धातु की प्लेट ये है, एक दूसरे के समांतर है। इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्व के चिन्ह विपरीत है। अच्छा, इनके ऊपर भी पृष्ठीय आवेश घनत्व है, इसके ऊपर भी पृष्ठीय आवेश घनत्व है, उनके चिन्ह विपरीत है, जैसे कि इस पर सिग्मा है, इस पर भी सिग्मा है, लेकिन एक प्लस का और एक माइनस का, ऐसा सवाल में दिया हुआ है, ठीक है। इनका परिमाण और इनका मान भी दिया हुआ है, सिग्मा की वैल्यू जो दी हुई है बेटा वो दी हुई है 17×10⁻²⁺ कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया गया है। तो इसके अंदर पहला सवाल पूछा है कि यहाँ पे प्लस आवेश होगा, प्लस सिग्मा का मतलब यहाँ पे प्लस आवेश फैला हुआ है, माइनस सिग्मा का मतलब यहाँ पे माइनस आवेश फैला हुआ, ऐसा सवाल में दिया हुआ है। तो इसने बोला है कि पहली प्लेट के बाहर क्षेत्र कितना होगा, यानी कि यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट ए पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ये पूछा है पहला सवाल। दूसरा, दूसरी प्लेट के बाहर कितना होगा, यानी कि यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, मान लेते हैं कि बी पॉइंट, दूसरा सवाल ये दिया कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कितना होगा, और तीसरा सवाल दिया होगा कि प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र कितना होगा, यानी कि यहाँ पर कितना होगा। अब देख एक चीज मैं बता देता हूँ लाला, देख इधर देख, ध्यान दे, ये मैंने डेरिवेशन आपको करवा रखा है, जब मैंने एक, आप YouTube पे जाकर के एक सर्च करना मेंटोर मंगल, जाकर के वो पे चैनल को सर्च करना और वहां पे जाकर के आप टाइप करना
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज प्लैन सी, ठीक है, जो कि एक इन्फिनिटी लेंथ की है, उसकी वजह से जब हम फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका डेरिवेशन करवाने के बाद में एक ऐसा मैंने न्यूमेरिकल भी करवाया है, पर वहां पे मैंने आपको बताया भी, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे से, वहां पे और भी अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आपको इस ए पॉइंट पर पहला सवाल, सॉल्यूशन पहले का, इसमें भी तीन सवाल है, पहला कि यहां पे विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ये इसने पूछा है। देखो भाई, इस पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इस प्लेट का भी होगा और इस प्लेट का भी होगा। इस पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र प्लस है, प्लस की वजह से इस पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र आएगा, मान लेते हैं कि E1 है, तो E1 बाहर की ओर आएगा कि नहीं आएगा, बाहर की ओर आएगा, सीधी सी बात यार है, प्लस प्लेट की वजह से, प्लस की वजह से बल रेखा कैसे निकलती है, इस प्लेट के लिए इधर बाहर डायरेक्शन कौन सी होगी, ये होगी, और इस प्लेट के लिए इस पॉइंट पर चूंकि ऋणावेश है, ऋणावेश की वजह से यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो अंदर की ओर आएगा, और इस प्लेट के लिए इस पॉइंट पर अंदर डायरेक्शन कौन सी होगी, ये होगी, ये आपको आना चाहिए। यानी कि इसकी वजह से मान लेते हैं कि E2 है, तो कितना आएगा बेटा, अरे हमें पता है कि यदि पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा होता है तो किसी एक परत की वजह से जो विद्युत क्षेत्र होता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, यानी कि E1 का मान भी कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 का मान भी बेटा कितना होगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है। तो बेटा बताइए, दोनों की वैल्यू, जब दोनों का पृष्ठीय आवेश घनत्व समान है तो E1 और E2 का मान भी बराबर होगा, लेकिन अब कोई लाला ये भी बोल सकता है, सर E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्यों लिखा आपने, माइनस क्यों नहीं लिखा, अरे प्लस और माइनस तो उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, यदि आपने डायरेक्शन को पहले से ही बता दिया है तो आपको केवल यहाँ पे परिमाण ही लिखना है, क्लियर है। तो यहाँ पर मैंने दिशा पहले बता दी, तो परिमाण के अंदर हम केवल क्या लिखेंगे, प्लस को ही ध्यान में रखना है, तो इसका मान भी ये आएगा, इसका मान भी दोनों का सेम आएगा, जब दोनों की दिशा विपरीत है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और ई नेट जो निकल के आएगा ए पॉइंट पर वो कितना आएगा, E1 - E2 इज इक्वल टू वो बेटा 0 निकल के आ जाएगा, यानी कि पहले का आंसर क्या आएगा बेटा, 0। अब आते हैं दूसरा सवाल, इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, अरे इस पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र है वो तो गली गली में बच्चा कर रहा है, कैसे कर रहा है, देखो इसको समझते हैं ना, देख इस बी पॉइंट पर माइनस की वजह से जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो अंदर आएगा, लेकिन इस प्लेट के लिए इस पॉइंट पर अंदर दिशा कौन सी होगी, इधर होगी, और इस पॉइंट पर अंदर दिशा ये होती है, यानी कि E2 का मान अंदर आएगा, लेकिन इस प्लेट की वजह से यहां पर जो दिशा आएगी वो चूंकि प्लस प्लेट है, प्लस प्लेट के लिए इधर की और बाहर डायरेक्शन ये होगी, यानी कि E1 का मान इधर आएगा, यानी कि यहां पर भी E1 का मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, E2 का मान भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, चूंकि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, परिमाण बराबर है, तो E1 - E2 बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 0 निकल के आ जाएगा, तो इस पॉइंट पर भी विद्युत क्षेत्र 0 होगा, क्लियर है। तीसरे को अपन डिस्कस करते हैं, सी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, सी पॉइंट पर तीसरा सवाल, इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, देख बाबू इधर ध्यान दे, यहां पे जो विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा इस पॉइंट पर, अरे प्लस प्लेट की वजह से यहां पर जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो बाहर आएगा इधर, और इस प्लेट की वजह से यहां पर जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो अंदर आएगा, और इस वाली प्लेट के लिए यहां पर जो अंदर की डायरेक्शन कौन सी होगी वो ऐसे होगी, यानी कि इसका विद्युत क्षेत्र भी इधर आएगा E1, इसका भी विद्युत क्षेत्र E2 इधर आएगा, दोनों का परिमाण समान, दिशा भी समान, तो EC पॉइंट पर क्या आएगा, E1 + E2 आएगा, E1 का मान बेटा कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को जोड़ोगे तो आंसर बेटा निकल के आ जाएगा सी पॉइंट पर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। फटाक से इसको वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप कॉपी के अंदर फटाक से इसको लिख दीजिए, फिर मैं इसे रब करता हूँ, ठीक है बेटा, लिख दिया, रब कर दूँ, ठीक है। वो जीने के चार दिन ओ, बाकी है बेकार दिन ओ, जाए जाए फिर ना आए जवानी फिर ना आए, ठीक है। अगला सवाल करते हैं बेटा, वो है 25 नंबर, जो 25 दिया हुआ है वो बेटा दिया हुआ है 25वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 25। हाँ बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 24 है ना,
उसके अंदर यदि सी पॉइंट पर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन, सिग्मा का मान आपको दिया, एप्सिलॉन का वैल्यू रखो, इसको सॉल्व करना, सिग्मा की वैल्यू आपको दे रखी थी उसको रखना, यहाँ पे रखना, इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आप आंसर शीट में देख लेना, सेम आंसर निकल के आएगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 को करते हैं। ये तो आप देखो मैथमेटिक्स तो थोड़ी आपको करनी ही पड़ेगी, सारा सब कुछ मैं फिर कैलकुलेशन करने दूंगा नहीं, मैं कैलकुलेशन करने बैठूंगा तो मेरा तो फिर हो गया काम, अरे बंटादार हो जाएगा, मैं फिर इतना मेरा जो वीडियो है एक घंटे का वो डेढ़ घंटे का बन जाएगा, कैलकुलेशन आपको बेटा करनी पड़ेगी, ठीक है। मिलिकन तेल बूंद प्रयोग विधि में, एक मिलिकन तेल बूंद प्रयोग विधि है, ठीक है, उसके अंदर एक विद्युत क्षेत्र है, एक विद्युत क्षेत्र है इज इक्वल टू, वो है 2.55 इंटू 10 की पावर 4। 12 इलेक्ट्रॉन आधिक्य की कोई तेल बूंद स्थिर रखी जाती है। इसने बोला है कि इसके अंदर कोई तेल की बूंद है। देखो मिलिकन तेल बूंद प्रयोग विधि के अंदर बेटा एक्चुअली होता क्या है, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक विद्युत क्षेत्र को आरोपित करते हैं, विद्युत क्षेत्र को इस तरीके से आरोपित करते हैं, इस तरीके से यहां पर एक प्लस प्लेट होती है और यहां पर एक माइनस प्लेट होती है, तो विद्युत क्षेत्र कैसे होता है, प्लस से माइनस की ओर। इसका मान दिया गया है 2.5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। 12 इलेक्ट्रॉन आधिक्य की कोई तेल बूंद है, एक तेल की बूंद है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अरे ये मैंने एक वो बाबा वाला एक एग्जांपल भी मैंने आपको बताया था, 12 इलेक्ट्रॉन आदि की कोई तेल बूंद स्थिर रखी जाती है, इसके ऊपर 12 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 12 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इस बूंद पर कुल नेगेटिव चार्ज है, कितना है, नेगेटिव चार्ज है। तेल का घनत्व भी दिया गया है कि यहां पर जो तेल है उसका घनत्व मैंने मान लिया रो है, वो दिया गया है 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इतना बेटा दिया गया है आपको, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है, ओके। हाँ तो देखो एक ये एक स्टोरी भी है, कभी मैं फ्री हुआ तो इसके ऊपर एक स्टोरी भी बनाऊंगा, एक बाबा वाले की एक अच्छी सी स्टोरी है, जो मतलब बाबा क्या करता है, बेवकूफ बनाता है लोगों को जाकर के, मतलब घर पे जाकर के लोगों को बताता है कि देखो मैंने एक तेल की बूंद है, एक तेल की शीशी होती है और तेल की शीशी से बूंदों को नीचे गिराता है, फिर वो तेल की शीशी की बूंद मतलब जो बूंद होती है तेल की, वो जैसे नीचे गिरती है वो हवा में होती है, वो लटकने लगती है, यानी कि नीचे नहीं गिरती है, और वो बोलता है कि देखो मैंने एक जादू बता दिया। क्या जादू बताया उसने, वो बोल रहा है कि देखो ये तेल की जो बूंद है वो हवा में अदर लटक रही है, और फिर बोल रहा है मैंने जादू कर दिया, लाओ 10 रुपया निकालो, सभी लोगों से बोलता है 10-10 रुपया निकालो। लेकिन एक इस लाले के जैसा एक स्टूडेंट भी होगा जिसने मेरे से साइंस पढ़ी होगी, फिजिक्स पढ़ी होगी, वो बोलेगा कि ये बाबा तू हमारे सभी लोगों को बेवकूफ बना रहा है, ये जो आप बता रहे हो वो मतलब मैंने सब पढ़ रखा है, हमारे को बेवकूफ नहीं बना सकता। वो बोलेगा अरे बाबा जी आप जो कर रहे हो ना वो एक विद्युत क्षेत्र पहले से आपने वहां पे आरोपित करके रखा हुआ है, और आपने जो तेल की बूंद उसके अंदर रखी है वो आवेशित है, आवेशित तेल की बूंद होगी, तो आवेश के ऊपर हमें पता होना चाहिए कि जब कोई क्यू आवेश किसी विद्युत क्षेत्र ई में रखा जाता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है F बराबर क्यू ई। यदि प्लस आवेश होगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा, और माइनस आवेश होगा तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा, क्योंकि वहां पर माइनस आवेश है उस तेल की बूंद के ऊपर और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, विद्युत क्षेत्र नीचे है, तो इस तेल की बूंद पर फोर्स ऐसे ऊपर लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा, कितना लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू ई, क्यू का मतलब होता है तेल की बूंद पर आवेश कितना है वो, ई का मतलब होता है जिस इलेक्ट्रॉन फील्ड में तेल की बूंद उपस्थित है वो। तो ये तेल की बूंद नीचे क्यों नहीं गिर रही है, यदि इस तेल की बूंद पर यदि आवेश नहीं होता, थोड़ी देर के लिए सोच लो कि इसके तेल की बूंद के ऊपर कोई आवेश नहीं है, तो उस भार की वजह से तेल की बूंद नीचे आनी चाहिए, भार कितना होता है बेटा mg, ठीक है, उस भार की वजह से वो नीचे आनी चाहिए। लेकिन उस बाबे ने एक चालाकी कर रखी है, और चालाकी क्या कर रखी है, देखना बाबू है ना, ध्यान से सुनना इसको, उसने तेल की बूंद को आवेशित करके रखा हुआ है, और जब आवेशित होगा और वो भी कैसा है, ऋणावेश है, तो ऋणावेश की वजह से उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, कितना, क्यू ई। यदि नीचे की ओर लगने वाला फोर्स एम जी और ऊपर की ओर लगने वाला क्यू ई फोर्स दोनों बराबर हो जाएंगे तो तेल की बूंदे वो हवा में अगर लटकेगी कि नहीं लटकेगी, यानी कि उसका नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, यानी कोई मोशन नहीं करेगी, क्लियर है, ठीक है। यानी कि ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे ध्यान रखना, एम जी इज इक्वल टू क्यू ई, बस सिंपल, ठीक है, एम जी इज इक्वल टू क्यू ई।
एम का मतलब होता है तेल की बूंद का द्रव्यमान। तेल की बूंद का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे लाला? तेल की बूंद का आयतन, और तेल की बूंद कैसी होती है? गोलाकार, तो उसका आयतन होगा 4/3 πr³, 4/3 πr³। ये लिख दिया, त्रिज्या आर मानी है तो 4/3 πr³ होगा। क्लियर है? ये इसका आ गया, क्या आ गया? द्रव्यमान आ गया। बस यहां पे रखना है। इसने क्या पूछा है, एक मिनट में सवाल को देख लेता हूं। अच्छा, आप द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हो, जी की वैल्यू पता होती है, आपको क्यू नहीं दिया गया। क्यू का मतलब इसके ऊपर आवेश है वो। अच्छा, 12 इलेक्ट्रॉन दिए गए, तो 12 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा? अरे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻¹⁹, तो 12 पे कितना होगा? 12 गुणा कर देना, तो टोटल आवेश भी दिया गया है, पर आपको ई भी दिया गया है, पर एम निकाल सकते। अरे एम का फॉर्मूला बेटा क्या है? ये रहा, अब लिखेंगे रो 4/3 πr³ इज इक्वल, अरे जी भी तो दिया हुआ है, इज इक्वल टू क्यू ई। अरे ये दिया हुआ है रो, ये पता है, ये पता है, ये आपको ज्ञात करना। इसने बोला है कि तेल की बूंद की त्रिज्या कितनी होगी, ये पूछा है इसने, तेल की बूंद की त्रिज्या कितनी होगी, ये पूछा है। तो ये अपन ज्ञात कर लेते हैं, क्यू का मान ज्ञात कर लेंगे, ई का मान दिया हुआ है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बाबू इधर देख, रो का मान कितना है? 1.26। हाँ, जब भी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हो, तो जितने भी आपने मात्र काम में लिए हैं वो आपको एक ही मात्र पद्धति के अंदर रखना है। यदि आपने इसको एसआई में लिया तो इसको भी एसआई में रखना पड़ेगा, इसको आपने सीजीएस में रखा है तो इसको भी सीजीएस में रखना पड़ेगा। चूंकि ये एसआई में दिया, तो इसको एसआई में कन्वर्ट करो। एसआई में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ग्राम की जगह क्या काम में लेते हैं? किलोग्राम। सेंटीमीटर की जगह क्या काम में लेते हैं? मीटर काम में लेते हैं। तो इसको पहले एसआई में बदलो। रो का मान बेटा क्या होगा? 1.26। अरे किलोग्राम में बदलने के लिए 10⁻³ लिखते हैं, और हम लिख देंगे किलोग्राम अपॉन में। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे? अरे सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। अरे सेंटीमीटर क्यूब का मतलब ये नहीं, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। अरे इसे कैसे लिखेंगे? 10⁻²। इसे भी कैसे लिखेंगे? 10⁻²। इसे भी क्या लिखेंगे? 10⁻²। यानी कितना होगा? 10⁻⁶ m³। अरे इसे कैंसिल हो गया, कितना हो गया? 10⁻⁶। ये -3 है तो -3 आएगा, ऊपर जाएगा तो +3 बनेगा, यानी कि रो की वैल्यू बेटा निकल के आएगी 1.26 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आंसर निकल के आएगा। रो का मान हमने ऐसे सिस्टम के अंदर निकाला तो बेटा क्या आया? 1.26 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्लियर है? ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। रो का मान दिया हुआ है 1.26 × 10³ × 4/3 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 r³। ज्ञात करना है जी का मान कितना होता है, 10 या 9.8 भी ले सकते हैं। यदि सवाल के अंदर स्पेशल दिया हुआ 9.8, तो फिर आपको 9.8 ही मानना पड़ेगा। और क्यू कैसे निकालेंगे? क्यू का मतलब टोटल आवेश, और टोटल आवेश कैसे निकालेंगे? एन ई के बराबर होगा। टोटल आवेश कैसे निकालेंगे? अरे 12 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? ई का मतलब 1.6 × 10⁻¹⁹, एन का मतलब 12 दिए हुए, तो अपन लिखेंगे 12। अरे 12 इलेक्ट्रॉन है, और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 से, तो अपन लिखेंगे क्यू की जगह लिखेंगे एन इंटू ई, और एन का मान कितना है 12, ई का मान कितना होता है 1.6 × 10⁻¹⁹, और ई का मान दिया हुआ है 2.55 × 10⁴। तो इसको सॉल्व करो बेटा, यहाँ से आर क्यूब निकल के आएगा, और वो बेटा निकल के आ जाएगा 9.81 × 10⁻⁷ m। आप इसको कैलकुलेटर की सहायता से सरल करना बेटा, यही आंसर निकल के आएगा। ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप कॉपी में लिख दो, फिर मैं इसे रफ करता हूँ। ठीक है, रफ कर दूँ? ओके, क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। अरे निम्नलिखित प्रदर्शित वक्रों में से कौन सा संभावित स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखा निरूपित नहीं करते हैं और क्यों? अरे ये जो क्वेश्चन नंबर 26 है, जब मैंने आपको लेक्चर मेरा जो चैनल्स है उस चैनल के ऊपर जाकर के आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वाला यदि आप वीडियो लेक्चर को ढूंढोगे तो वहां पे जाकर को ये न्यूमेरिकल मैंने उस क्लास के अंदर डिस्कस भी करवाया, तो वहां पे जाकर को इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मैं वापस से इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है बेटा, वहां पे जाकर के देख लेना। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। हाँ,
27 जो बेटा दिया गया है वो दिया गया है कि दिगस्थान के किसी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र सभी जगह जेड दिशा के अनुदिश है, परंतु विद्युत क्षेत्र का परिमाण नियत नहीं है। हाँ, मान लेते हैं कि ये एक्स दिशा है, ये मैं मान लेता हूँ वाई दिशा है, और ये वाली मैं मान लेता हूँ, सॉरी इसे मान लेते हैं अपन जेड दिशा है, क्योंकि जेड फिर 3D में बनाना पड़ेगा, है ना। इसे जेड कोई भी मान सकते हैं, इसको मैंने मान लिया वाई दिशा है, ठीक है। तो ये वाली कौन सी आएगी, माइनस जेड, ये कौन सी आएगी, माइनस एक्स, ठीक है। इसने बेटा दिया हुआ है कि विद्युत क्षेत्र है वो जेड प्लस जेड दिशा के अनुदिश, यानी कि विद्युत क्षेत्र इस दिशा में दिया गया है, इस डायरेक्शन में दिया हुआ है, और कितना दिया हुआ है, इसने बोला कि विद्युत क्षेत्र वो नियत नहीं है, परिवर्ती है, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र भी बदलता है, और इसने बोला कि विद्युत क्षेत्र होता है वो 10^5 न्यूटन पर कूलम प्रति मीटर की दर से प्रति, विद्युत क्षेत्र बढ़ रहा है, यहाँ पे जीरो है। देखो ये दिया हुआ है ई का मान, वृद्धि हो रही है, मतलब d/dz दिया गया है, क्योंकि प्रति एकांक दूरी z में चलने पर विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन, d का मतलब विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन, dz का मतलब एकांक दूरी चलने पर, और वो दिया हुआ है 10^5 न्यूटन पर कूलम प्रति मीटर, ये दिया गया है। यानी कि जैसे यहाँ पे जीरो, फिर एक इंटू एक, जैसे एक मीटर चले 1×10^5, फिर 2 मीटर चले, फिर आएगा एक इतनी की इतनी, फिर वृद्धि होगी, फिर वृद्धि होगी, इस तरीके से वृद्धि हो रही है, यानी कि d/dz दिया गया है। वह निकाय जिसका जेड दिशा में कुल ऋणात्मक द्विध्रुव आघूर्ण 10^-3 कूलम, अच्छा एक आपको द्विध्रुव दिया गया है जिसका जेड दिशा में कुल ऋणात्मक द्विध्रुव आघूर्ण 10^-7 है। जो द्विध्रुव आघूर्ण दिया गया है बेटा वो दिया गया है, उसका द्विध्रुव आघूर्ण दिया गया है वो माइनस जेड दिशा में दिया गया है, मतलब डेफिनेटली उस द्विध्रुव का प्लस आवेश यहाँ पे कहीं ना कहीं रहा होगा और माइनस क्यू आवेश कहीं ना कहीं यहीं पे रहा होगा। अरे जब प्लस क्यू आवेश इधर होगा और माइनस क्यू आवेश इधर होगा तभी तो उसकी डायरेक्शन नीचे की ओर आएगी, द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन हमें बेटा पता होना चाहिए, पी की डायरेक्शन कैसे होती है, प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर, यानी कि इसका द्विध्रुव आघूर्ण जब निकालने जाओगे तो आपको पी की डायरेक्शन आपको ये मिलेगी और वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, जेड एक्स के विपरीत, ठीक है। तो ये कितना दिया गया बेटा, ये दिया गया है आपको पी का मान भी दिया गया है और वो दिया गया है 10^-7 कूलम के बराबर है। तो इसने बोला है कि फोर्स कितना होगा इसके ऊपर, तथा इसने पूछा है कि टोक कितना काम करेगा, ये आपको करना है, बड़ा सिंपल सवाल है, ठीक है। देखिए फोर्स का बेटा जो फॉर्मूला होता है, पहली बात तो ये आपको ये कौन सी दिशा में दिया गया है, जेड दिशा में दिया गया है। आपको मैं पूछूं कि x दिशा में कितना है, इसने बोला है कि x दिशा में तो कुछ है ही नहीं, यानी कि जीरो है। y दिशा में कितना है बेटा, तो ये भी कितना दिया गया है, जीरो दिया गया है, और z दिशा में दिया हुआ है। ऐसा कैसा, यदि द्विध्रुव आघूर्ण की बात करो, x दिशा में दिया हुआ, ये z दिशा में दिया हुआ है बेटा, ठीक है, और माइनस में है तो अपन माइनस लिखेंगे क्योंकि विपरीत दिशा में दिया हुआ है। हाँ, px का मान कितना, जीरो, py का मान कितना, जीरो, pz का मान कितना, ये रहा और ये रहा। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है एफ इज इक्वल टू पी एक्स डी एक्स अपॉन में डी एक्स प्लस पी वाई डी ई वाई अपॉन में डी वाई प्लस पी जेड डी जेड अपॉन में डी जेड। अरे बेटा ये तो जीरो है, ये भी जीरो है, क्योंकि जीरो दे रखे, कुछ दिया हुआ नहीं, तो हमारे पास में केवल यही बचेगा और इसकी वैल्यू को यहाँ पे रखो, आंसर निकल के आ जाएगा। अरे बेटा पी जेड की वैल्यू कितनी है, तो अपन लिखेंगे -7 × d/dz कितना दिया हुआ है, तो d × dz दिया हुआ है 10^5। इसको सॉल्व करो बेटा, आंसर निकल के आएगा माइनस में, ठीक है, और वो बेटा निकल के आ जाएगा 10^-7 है, यहाँ पे प्लस है, 10^-2, और बेटा यही आंसर निकल के आएगा, ठीक है। और कौन सी दिशा, माइनस में आने का मतलब ये हुआ कि इस डायरेक्शन में निकल के आएगा, एक दिशा पूछी जाए तो आप क्या लिखोगे, के कैप लिखोगे, ठीक है, माइनस के कैप, हाँ इसको दिशा से लिखना है तो इसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और अगला सवाल जो इसने पूछा है, वो पूछा है कि बल आघूर्ण कितना अनुभव करेगा। अरे बेटा बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या, अरे बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला तो सभी लोग बता रहे हैं, मेरा एक छोटा बेटा है 5 साल का, उसको भी ये फॉर्मूला पता है, अरे वो भी बताता है इसका आंसर, है ना, क्या सर कुछ भी फेंक लेते हो, है ना, अरे आपको बता रहा हूँ मैं, है ना। पी का मान कितना है, पी का मान दिया हुआ है 10^-7,
ई का मान दिया गया है 10 की घात, जो भी दे रखा है। अरे थीटा पहले देख लो आप, पी और ई के बीच का एंगल होता है थीटा। अरे ई की डायरेक्शन ये रही, पी की डायरेक्शन नीचे, एंगल कितना बना थीटा इज इक्वल टू 180। रखो इसके अंदर 180, आंसर क्या बेटा निकल के आएगा, टो इज इक्वल टू 0, यानी कि कोई बलागुण निकल के नहीं आएगा, यानी कि बलागुण बेटा यहाँ पे क्या निकलेगा, 0 निकल के आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर अगला सवाल करते हैं, ठीक है, दिल थाम के बैठिए, अगला सवाल आपके सामने फेंक रहा हूँ, आप लोग कैच करना इसको। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 जो दिया गया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 28, किसी चालक ए जो चित्र में दर्शाए अनुसार क्वार्टर को क्यों आवेश दिया गया। अच्छा, एक चालक दिया गया ऐसा है ना, इसके अंदर एक कैविटी है, एक गुफा बना दी गई है, एक क्वार्टर है, उसको हमने क्यों आवेश दिया गया, कितना आवेश दिया गया, ए डायग्राम है ये, इसके अंदर हमने क्यों आवेश दिया गया है, इसको मैंने अंदर से आवेश दे दिया, जैसे प्लस आवेश दे दिया, ठीक है, ये क्यों आवेश दे दिया। तो ये बोल रहा है, ये दर्शाइए कि समस्त आवेश चालक के बाहरी पृष्ठ पर प्रतीत होना चाहिए। ये कह रहा है कि ये पूरा का पूरा आवेश है वो इसके पृष्ठ पर आना चाहिए, ये ऐसा कह रहा है, ये ऐसा कह रहा है कि यदि मैं इस कैविटी के अंदर किसी आवेश क्यू को दे देता हूँ, यहाँ पर मैंने खाली जगह में यहाँ पे क्यू आवेश डाला मैंने, ठीक है, यहाँ पे डाल दिया, तो ये बोल रहा है कि ये इसके पृष्ठ पर आना चाहिए, ऐसा कह रहा है, यानी कि ऐसा डायग्राम बनना चाहिए कि क्यू आवेश का आना चाहिए इसके पृष्ठ पर आना चाहिए, कि कैविटी के अंदर आवेश नहीं रहेगा, ये आपको प्रूव करना है कि अंदर नहीं रहेगा, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। चलिए इसको प्रूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखो बेटा इधर ध्यान से देना, यहां पे यदि मैं, ये क्या होता है, चालक के अंदर वाला खोखला भाग है और ये इसके ऊपर वाला पृष्ठ है। अब यदि चालक गोले के अंदर यहां पर मैं कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूं, मैंने पॉइंट ले लिया पी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया, इस पी पॉइंट पर पूछा जाए कि विद्युत क्षेत्र कितना होगा। देखो बेटा यहाँ पे जो हमारे को करना है वो क्या करना है कि इसके अंदर जो आवेश होता है कि वो पृष्ठ पर आएगा, ये हमारे को प्रूव करना है। तो मैंने एक पॉइंट ले लिया पी, किस पॉइंट पर यदि विद्युत क्षेत्र आपको पूछा जाए, तो यह सभी को पता है, जितनी भी लाला या लालिया है उन सभी को पता है कि यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र होता है वो जीरो होता है। कैसे, कोई भी चालक वस्तु उसके अंदर यदि विद्युत क्षेत्र पूछा जाए तो कितना होगा, जीरो होगा, हमने डेरिवेशन के अंदर भी सीखा था, ठीक है। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र जीरो होता है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि यहां पर यदि किसी भी पॉइंट पर यदि आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो हमने गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़े हुए, अरे गाउस के नियम की सहायता से किसी भी पॉइंट पर हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए गाउसीय पृष्ठ बनाएंगे। यहां पर मैं यदि एक गाउसीय पृष्ठ बनाऊं, चलो ये मैंने एक गाउसीय पृष्ठ बनाया, फिर क्या करते हैं, गाउसीय पृष्ठ बनाने के बाद उस गाउसीय पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स ज्ञात करते हैं। तो इससे निकलने वाला फ्लक्स ज्ञात करेंगे, कैसे फ्लक्स ज्ञात करेंगे, अरे फॉर्मूले से, क्या होता है फॉर्मूला, ई डी ए कॉस थीटा। फिर हम फ्लक्स किससे ज्ञात करते हैं, फॉर्मूले से। मैं कहता हूं कि इसके अंदर कोई भी आवेश क्यू रखा है, आपने कितना आवेश रखा है, क्यू, तो इसे निकलने वाला फ्लक्स कैसे ज्ञात करते हैं, गाउसीय पृष्ठ से। तो हम लिखते हैं फ्लक्स का एक फॉर्मूला होता है, गाउस का कहता है, गाउस नियम कहता है कि उस पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स होगा वो क्यू ऊपर में एप्सिलॉन नॉट होगा। तो फॉर्मूले से निकाले तो ये होना चाहिए, गाउस के नियम से निकाले तो ये होना चाहिए, यानी कि दोनों को बराबर होना चाहिए, क्यू ऊपर में एप्सिलॉन नॉट। अरे अब मैं कह रहा हूं कि मेरे को विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो आप ये वाली इक्वेशन काम में ले सकते हो, लेकिन इसने पहले ही हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र यहां पर जीरो होता है, यानी कि ये वैल्यू पूरी क्या बन जाएगी, जीरो, यानी कि ये क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट का मान जीरो आना चाहिए, और इसका मान जीरो तभी आ सकता है जब क्यू का मान क्या हो, जीरो हो। मतलब ये आपने जो गाउसीय पृष्ठ बनाया है, इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं होना चाहिए, जब इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं होगा तभी यहां पर विद्युत क्षेत्र का मान जीरो आएगा। मतलब ये हुआ कि इसके अंदर आवेश नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा, जब आप आवेश दोगे
दूसरा आवेश तो है नहीं, ये आवेश कहां जाएगा, उसकी सतह पर चला जाएगा और अंदर नेट आवेश क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या यहां पर कोई आवेश है क्या? नहीं है। तब जाकर के इस पीवी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र जीरो निकल गया, यानी कि विद्युत क्षेत्र को जीरो करने के लिए यह आवेश चल के कहां चला जाता है, सतह पर चला जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो आवेश होता है, यदि आप गुफा के अंदर यानी कि जो कैविटी है वहां पर भी यदि आप आवेश देते हो तो आवेश कहां चला जाता है, सतह पर चला जाता है। इसको हमने यहां पे प्रूव किया है। फिर क्वेश्चन नंबर टू दिया गया है, क्वेश्चन नंबर टू को करते हैं अपन। इसी के अंदर 28वें का जो सेकंड पार्ट है उसको अपन देखते हैं। कोई अन्य चालक भी जिस पर क्यू आवेश है को क्वार्टर में इस प्रकार दशा दिया जाता है कि चालक भी चालक ए से विद्युत रोधी रहे। यह दर्शाई कि चालक ए के बाहरी पृष्ठ पर कुल आवेश Q प्लस Q है। इसने बोला है कि एक ऐसा चालक है, इसके अंदर कैविटी के अंदर एक ऐसा चालक भी दशा दिया गया अंदर, जिसके ऊपर आवेश कितना है बेटा, Q है। अरे जो हमने पहले जो Q आवेश दिया था वो कहाँ है, सतह पर है, कितना है, कितना है, प्लस Q, ये सतह पर है। अब इसने बोला है कि जो खाली जगह थी यहां पर हमने एक अन्य आवेश को दशा दिया गया है जिस पर आवेश कितना है, स्मॉल क्यू है। हमने यहां पे एक स्मॉल क्यू आवेश रख दिया, तो यह बोलता है कि इसकी सतह पर जो आवेश आएगा वो आवेश आएगा, यहां पर जो आवेश आएगा वो प्लस क्यू आएगा, ये वाला आएगा, यानी कि इसके अंदर प्लस क्यू जुड़ेगा। यह आपको प्रूव करना है, तो वही तरीका अपनाएंगे अपन। अरे वही तरीका अपनाना है, कौन सा तरीका, वही ये जैसे हमारे पास में यहाँ पे क्यू आवेश है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ये पॉइंट कहाँ है, चालक पृष्ठ के अंदर है, और अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यानी कि इसी इक्वेशन को यहाँ पर बेटा काम में लेने वाले हैं। इक्वेशन क्या होती है, ई डी ए कॉस थीटा, फॉर्मूले से फ्लक्स निकाले, इस गाउसीय पृष्ठ बना लेते हैं, ये गाउसीय पृष्ठ है, इस गाउसीय पृष्ठ निकलने वाला फ्लक्स फॉर्मूले से ये आएगा, गाउस के नियम से ये आएगा, दोनों बराबर होने चाहिए। यानी कि यहां से E का मान इस पॉइंट पर, चूंकि ये पॉइंट P कहां है, इसके अंदर है, तो यहां पे विद्युत क्षेत्र जीरो होना चाहिए। यानी कि हम जीरो करेंगे यहां पे, तो पूरी वैल्यू जीरो निकल के आनी चाहिए, और पूरी वैल्यू जीरो तभी निकल के आ सकती है जब इसके अंदर Q कितना हो, जीरो। यानी कि इस जो कैविटी है, यानी कि जो हमने ये गाउसीय पृष्ठ लिया है ये वाला, इसके अंदर टोटल आवेश कितना होना चाहिए बेटा, जीरो होना चाहिए। और बेटा जीरो तभी हो सकता है जब आपने यहाँ पे प्लस क्यू रखा है, यहाँ पे बेटा आपने क्या रखा है, प्लस क्यू। तो यहां पर नेट आवेश जीरो करना, ये आपने एक्स्ट्रा अंदर एक चालक रखा है, इस पे प्लस क्यू आवेश है, और यहां पे विद्युत क्षेत्र यदि इस पॉइंट पर जीरो लाना है, तो इस पूरे गाउसीय पृष्ठ के अंदर टोटल आवेश जीरो होना चाहिए। टोटल आवेश जीरो तभी होगा जब प्लस क्यू के बराबर माइनस क्यू आवेश हो, इसके अंदर प्रेरित हो जाता है। यहां पर बेटा क्या आ जाता है, माइनस आवेश, कितना, माइनस का क्यू। जब अंदर माइनस क्यू होगा तो बाहरी सतह पर एक विद्युत आवेश प्रेरित होगा, और वो कितना होगा, प्लस क्यू का होगा। ताकि माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों का, क्योंकि आवेश संरक्षण भी तो करना, यदि माइनस क्यू प्रेरित होगा तो बाहर प्लस क्यू प्रेरित होगा, क्लियर है ना। तो प्लस क्यू पहले से कितना था, प्लस क्यू, और प्रेरित कितना हुआ, ये प्लस क्यू, तो टोटल आवेश कितना हुआ, क्यू प्लस छोटा वाला, क्लियर है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड दिया गया है लाला, वो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते एक बार। हाँ, कोई उपकरण है, ठीक है, कोई उपकरण है, उसको यदि आपको शील्डिंग करना है, परिरक्षित करना है, तो इसको एक उपाय बताइए। अरे उपाय क्या बताना है, सीधी सी बात है कि कोई भी यदि चालक वस्तु होती है और चालक वस्तु के अंदर विद्युत क्षेत्र जीरो होता है, तो उसे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड से संरक्षित करना है, विद्युत क्षेत्र से उसे परिरक्षित करना है, तो विद्युत क्षेत्र जीरो कहाँ होता है, चालक के अंदर होता है, तो चालक के अंदर उस वस्तु को रख दो, क्लियर है। तो ये तीसरे का आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये 28वां भी हमने कर लिया है, और उसके बाद में जो सवाल है 29, इसको बेटा हम कल करेंगे। कल का जो मेरा जो लेक्चर नंबर 4 आएगा, उसके अंदर पिछले वाले जितने भी न्यूमेरिकल हैं, उन सभी न्यूमेरिकल का हम डेरिवेशन करने वाले हैं। आई होप आपको आज का ये जो वीडियो है वो बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे को और भी नई वीडियोज़ बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो बच्चा आज के लिए इतना ही, थैंक यू।
It's not a game, it's a rich game.